हर दशक में अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी कोई न कोई कहानी हिंदी फिल्म में बनती ही रही है। आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी अंग्रेजी हुकूमत और उनसे हुए संघर्षों की घटनाएं किसी न किसी फिल्म या टीवी शोज के जरिए हमें देखने को मिल ही जाती हैं। उन कहानियों को देखना तो दिलचस्प ही होता है, लेकिन उससे कहीं दिलचस्प होता है उन किरदारों को देखना जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना या पढ़ा है। ऐसे में उन एक्टर्स को देखना और भी दिलचस्प हो जाता है जो अपनी दमदार एक्टिंग से उन किरदारों को जीवंत करते हैं, फिर चाहे वो किसी क्रांतिकारी की भूमिका हो या किसी अंग्रेज की। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अंग्रेज की भूमिका निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दोस्तों, अगर आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द देखी होगी तो शायद ही उस फिल्म के क्रूर किरदार जनरल डायर को भुला पाए होंगे। उस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम है कमल कपूर, जिनकी पहचान है उनकी नीली नीली कजी आंखें जो उन्हें एक अंग्रेज की भूमिका में बड़ी ही आसानी से फिट कर देती थी। 22 फरवरी 1920 को पेशावर के एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे कमल कपूर ने अपनी शिक्षा लाहौर में पूरी की थी। उनके भाई एक पुलिस ऑफिसर थे जो मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कमल कपूर ने भी अपने भाई के पास ही रहने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक उन्हें एक्टिंग के प्रति दिलचस्पी पैदा हो गई और वर्ष 1944 में पेशावर से मुंबई आ गए, जहां उसी वर्ष उनके मौसेरे भाई पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की थी। कमल कपूर भी पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर में काम करने लगे और एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया। फिल्मों की बात करें तो कमल कपूर की पहली फिल्म 1946 में रिलीज हुई दूर चले थी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी नसीम बानो, जो एक्ट्रेस सायरा बानो की माँ थी। हालांकि यह फिल्म तो सफल ना हो सकी, लेकिन कमल कपूर को उनके लुक की वजह से कई फिल्मों में काम जरूर मिल गया, वो भी बतौर नायक। बाद में वर्ष 1948 में रिलीज हुई फिल्म आग में कमल ने राज कपूर के पिता की भूमिका निभाई। यह फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में राज कपूर की पहली फिल्म भी थी। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें इसी तरह की भूमिकाएं निभाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल कमल बतौर नायक की फिल्मों में काम करना चाहते थे और उन्होंने तकरीबन 21 फिल्मों में बतौर नायक काम भी किया, लेकिन अफसोस कि उनकी फिल्मों में उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेसेज के होने के बाद भी उनकी कुछ ही फिल्में सफल हो सकी। वर्ष 1951 में कमल ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम था कश्मीर, लेकिन यह फिल्म भी नाकाम ही साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म खैबर का निर्माण किया जिसमें वे खुद ही नायक बने थे, लेकिन वर्ष 1954 में आई यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप रही और कमल कपूर की अब तक की सारी कमाई हुई दौलत इस फिल्म में डूब गई। इस नाकामयाबी के बाद कमल टूट से गए और एक्टिंग फील्ड से दूरी सी बना ली, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद कमल ने वर्ष 1958 में आई फिल्म आखिरी दांव से दोबारा फिल्मों में वापसी की और इस बार उन्होंने खुद को एक विलेन के रूप में पेश किया जिसमें वे आगे चलकर कामयाब भी हुए। हालांकि इस फिल्म से तो उन्हें आगे कोई काम नहीं मिल सका, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात आईएस जौहर से हो गई, जो जमाने के मशहूर कॉमेडियन होने के साथ साथ एक कामयाब राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने आगे चलकर कमल कपूर को अपनी लगभग हर फिल्म में शानदार भूमिकाएं दी। बतौर विलन कमल कपूर को वर्ष 1965 में रिलीज हुई इन्हीं की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से पहचान भी मिली थी। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि कमल कपूर ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग, जब जब फूल खिले, राजा और रंग, दस्तक, पाकीजा, पापी, चोर मचाए शोर, फाइव राइफल्स, दो जासूस, दीवार, खेल खेल में, डॉन, मर्द और तूफान आदि ढेरों फिल्मों में कमल ने गैंगस्टर से लेकर भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर तक के छोटे बड़े किरदार निभाए। उनके द्वारा अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म में निभाया किरदार नारंग आज भी याद किया जाता है, जो खुद कमल कपूर का भी बेहद पसंदीदा किरदार था। लगभग 5 दशकों तक एक्टिंग करने वाले कमल ने विलन के साथ साथ ढेरों कैरेक्टर रोल भी प्ले किए। वर्ष 1967 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना में उन्होंने एक बार फिर राज कपूर के पिता की भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी और गुजराती भाषाओं में लगभग 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। वर्ष 1993 में आई फिल्म जख्मी रूह में वो आखिरी बार नजर आए थे। बाद में बढ़ती उम्र के चलते कमल कपूर की तबीयत खराब रहने लगी और 2 अगस्त 2010 को उनका निधन हो गया। कमल कपूर के 5 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी छोटी बेटी 70 और 80 के दशक के मशहूर फिल्म निर्माता रमेश बहल की पत्नी है। इनके बेटे गोल्डी बहल आज के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर सोनाली बेंद्रे के पति हैं। इस कड़ी में हम जिस अगले एक्टर का नाम लेने वाले हैं, उन्हें बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पहचानते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में सबसे ज्यादा अंग्रेजों के रोल शायद इन्होंने ही निभाए होंगे और इस एक्टर का नाम है टॉम वाल्टर। एक दौर था जब फिल्मों में अंग्रेजों के रोल निभाने की बात होती थी तो सबसे पहले टॉम वाल्टर को ही याद किया जाता था और वो भी लगभग 4 दशकों तक। 22 जून 1950 को उत्तराखंड के मसूरी में जन्मे टॉम वाल्टर विदेशी माता पिता के संतान थे। टॉम की माँ का नाम बैरी वाल्टर और पिता का नाम जिम वाल्टर था, जो अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए थे। नवंबर 1916 में टॉम वाल्टर के दादा दादी अमेरिका से भारत आए थे, जो कुछ वर्षों तक मद्रास में रहने के बाद लाहौर चले गए।
जहां उन्होंने रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट के क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। टॉम के पिता का जन्म सियालकोट में ही हुआ था। बंटवारे के बाद टॉम के दादा दादी पाकिस्तान में ही रहे और उनके माता पिता हिंदुस्तान चले आए, जो पहले इलाहाबाद यानी प्रयागराज में रहे, जहां उनके पिता इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बतौर हिस्ट्री और इंग्लिश टीचर कार्यरत थे। फिर अपनी मिशनरी के लिए सहारनपुर और जबलपुर में कुछ वर्षों तक रहने के बाद उत्तराखंड के मसूरी के नजदीक राजपुर में बस गए। तीन भाई बहनों में टॉम सबसे छोटे थे। टॉम की बड़ी बहन का नाम मार्था और बड़े भाई का नाम जॉन है। चूंकि टॉम भारत में ही पले बढ़े थे, इसलिए एक आम भारतीय की तरह ही फर्राटेदार हिंदी तो बोलते ही थे, साथ ही उर्दू में भी उन्हें महारत हासिल थी। उनकी शिक्षा मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में हुई थी। 18 साल की उम्र में टॉम उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और एक साल तक येल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगने से बीच में ही वापस लौट आए। भारत आने पर पिता के जरिए उन्हें जगाधरी हरियाणा में सेंट थॉमस स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम मिल गया, जहां उन्होंने लगभग 6 महीनों तक अपने छात्रों को क्रिकेट की कोचिंग भी दी। इसके बाद अगले कई वर्षों में ऑल्टर ने कुछ समय के लिए मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में भी पढ़ाया, जहां उनके चाचा प्रिंसिपल थे, और बाद में कुछ समय के लिए अमेरिका जाकर वहां के एक अस्पताल में काम भी किया। फिर चाचा के बुलाने पर टॉम भारत वापस लौट आए। दोस्तों, टॉम के फिल्मों में आने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह राजेश खन्ना की वजह से फिल्मों में आए थे और वो भी राजेश खन्ना के जैसा सुपरस्टार बनना चाहते थे। उन्होंने बताया था कि वह राजेश खन्ना की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने अक्सर मसूरी से दिल्ली आते थे और उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित रीगल सिनेमा में राजेश खन्ना की आनंद, दुश्मन और अमर प्रेम जैसी कई फिल्मों के फर्स्ट शो देखे थे। दरअसल टॉम ने राजेश खन्ना की फिल्म आराधना को देखने के बाद ही एक्टर बनने का निश्चय कर लिया था। बाद में वर्ष 1972 में उन्होंने बाकायदा इसके लिए पुणे जाकर FTII में दाखिला लिया और एक्टिंग भी सीखी, जहां उनकी 1974 तक की ट्रेनिंग के दौरान ढेरों आज के दिग्गजों से दोस्ती हुई। रोशन तनेजा इनके गुरु थे तो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी इनके जूनियर थे, तो ही शबाना आजमी इनकी सीनियर हुआ करती थी। फिल्मों में टॉम के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1975 में फिल्म मृग तृष्णा से शुरुआत की, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया वर्ष 1976 में आई रामानंद सागर की फिल्म चरस से। इस फिल्म में उन्होंने एक कस्टम अधिकारी का रोल प्ले किया था। इसके बाद टॉम कई फिल्मों में नजर आए, हालांकि उन्हें असल पहचान मिली फिल्म क्रांति से। इस फिल्म में उन्होंने एक क्रूर ब्रिटिश ऑफिसर का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं, क्रांति, कर्मा, आशिकी, परिंदा जैसी शानदार फिल्मों सहित करीब 300 फिल्मों में जबरदस्त काम किया। दोस्तों, टॉम ने ढेरों फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाए, लेकिन अपने लुक की वजह से उन्हें ज्यादातर अंग्रेज अफसर या विदेशी करेक्टर निभाने को ही मिला करते थे। यहाँ तक कि टॉम ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, असमी और मलयाली भाषाओं की फिल्मों में अंग्रेज का करेक्टर ही निभाया है। टॉम भले अंग्रेजों के रोल के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू भाषा में उनकी जबरदस्त पकड़ थी, जिसके दम पर वे हर तरह के किरदार को बड़ी ही आसानी से निभा लेते थे। टॉम ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने मौलाना आजाद, मिर्जा गालिब, साहिर लुधियानवी तक के भी किरदार किए हैं, जिसके लिए लोगों ने मेरी एक्टिंग की तारीफ की है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इस किरदार का रंग इतना गोरा क्यों है। जरूरी यह है कि आप भरोसे के साथ काम करें। टॉम ने फिल्म ही नहीं बल्कि कई टीवी सीरियल्स में दमदार काम किया। 90 के दशक में प्रसारित सीरियल जुनून में टॉम द्वारा निभाए किरदार केशव कलसी के लिए आज भी दर्शक उन्हें याद किया करते हैं। सीरियल जुबान संभाल के में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल प्ले किया था, जो तब बेहद चर्चित हुआ था। दर्जनों टीवी सीरियल्स के अलावा एक शो में उन्होंने बतौर होस्ट ढेरों जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू भी लिए हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 में टॉम ने राज्यसभा टीवी के शो संविधान में मौलाना अबुल कलाम आजाद का रोल निभाया था, जिसमें उनके किरदार को काफी सराहा गया था। टॉम ने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था, जिनमें इंग्लिश फिल्म विद लव दिल्ली, सन ऑफ फ्लावर, साइकिल किक, अवतार, ओसियन ऑफ द ओल्ड मैन, वन नाइट विद द किंग, साइलेंस प्लीज आदि नाम प्रमुख हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर को भी खूब वक्त दिया था। वर्ष 1977 में उन्होंने FTII के दोस्त नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ मोटली नाम का एक थिएटर ग्रुप भी खोला था। दोस्तों, टॉम एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। उन्होंने द लॉन्गेस्ट रेस, रिटर्न एट रियोल्टो और द बेस्ट इन द वर्ल्ड सहित किताबें लिखी हैं। वे 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक की शुरुआत में एक खेल पत्रकार थे। उन्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम था और वो क्रिकेट देखने व खेलने के साथ साथ इसके बारे में भी उन्होंने स्पोर्ट्स वीक, आउटलुक, क्रिकेट टॉक, संडे ऑब्जर्वर, फर्स्ट पोस्ट, सिटीजन और डेबोनियर जैसे पत्रिकाओं के लिए ढेरों आर्टिकल्स लिखे हैं। दोस्तों, टॉम सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने वाले पहले शख्स के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्ष 1988 में टॉम ने ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा उन्हें उर्दू शेर व शायरी में बेहद दिलचस्पी थी। हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए टॉम को वर्ष 2008 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। बतौर डायरेक्टर 90 के दशक में टॉम ने टीवी श्रृंखला योर लव स्टोरीज के लिए एक एपिसोड भी डायरेक्ट किया था, जो एक ही शॉट में पूरा किया गया था। 29 सितंबर 2017 को मात्र 67 वर्ष की उम्र में टॉम अल्टर का
का निधन हो गया। दरअसल टॉम ऑल्टर लंबे समय से स्किन कैंसर से जूझ रहे थे और वे इसकी लास्ट स्टेज पर थे। अपने निधन से कुछ महीने पहले टॉम ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म रूरेन एट रियाल्टो की घोषणा भी की थी, जिनके द्वारा लिखी गई एक किताब पर आधारित थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी कैरल लिवान और बेटा जेमी और बेटी अफशान है। बॉलीवुड में अंग्रेजी किरदार निभाने वाले एक्टर की लिस्ट में अगला नाम आता है बॉब क्रिस्टो का, जो 80 और 90 के दशक की फिल्मों के एक जाने माने एक्टर हुआ करते थे। वर्ष 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जन्मे बॉब क्रिस्टो का पूरा नाम रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो था। हालांकि वर्ष 1943 में बॉब के पिता उन्हें अपने साथ जर्मनी लेकर चले गए, जब बॉब की दादी और बुआ रहा करती थी। ये वही दौर था जब जर्मनी में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी में पढ़ाई के साथ ही बॉब थिएटर भी किया करते थे। बाद में बॉब ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक सिविल इंजीनियर बन गए। दोस्तों, जर्मनी के एक सिविल इंजीनियर का हिंदी फिल्मों में काम करना और फिर यहीं के होकर रह जाने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल एक मैगजीन में एक्ट्रेस परवीन बाबी की खूबसूरती पर फिदा होकर बॉब अपनी सिविल इंजीनियर की जॉब छोड़कर मुंबई चले आए थे। बॉब जब मुंबई पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुंबई के चर्च गेट के पास एक फिल्म की यूनिट से हुई, जिनसे बातों बातों में पता चला कि कैमरामैन अगले ही दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बॉबी से मिलने वाला है। इसके बाद बॉब ने कैमरामैन से पता ले लिया और अगले दिन परवीन बॉबी से मिलने पहुंच गए। बॉब यहाँ अपने दोस्त कैमरामैन से बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने परवीन थी। बॉब एक्साइटमेंट में परवीन के करीब पहुंच गए, लेकिन बगैर मेकअप में परवीन को देखकर पूछ बैठे कि आप तो परवीन बॉबी नहीं लगती हैं। इसके बाद उन्होंने मैगजीन का कवर दिखाते हुए कहा कि ये लड़की परवीन है। इस पर परवीन जमकर हंसी और बोली, मैं शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं करती। इसके बाद परवीन और बॉब क्रिस्टो की दोस्ती हो गई। चूंकि बॉब थिएटर में काम कर चुके थे तो एक्टर बनने का भी उनके दिल में एक ख्वाब तो था ही, ऐसे में उन्होंने अपना करियर हिंदी फिल्मों में ही बनाने का मन बना लिया। बॉब ने हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत वर्ष 1978 में आई फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से की और उसके बाद एक अंग्रेजी फिल्म में उन्होंने बॉडी डबल के रूप में काम किया। इसी बीच उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था पहरेदार। बाद में बॉब क्रिस्टो को संजय खान ने 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में काम करने का मौका दिया। इसी वर्ष रिलीज हुई फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में भी बॉब नजर आए थे। इन फिल्मों से बॉब को पहचान मिल गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, बॉब को लेकर उस वक्त एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। दरअसल एक बार संजय खान ने बॉब को अपने कुछ पैसे लेने स्विट्जरलैंड अकेले भेज दिया। ये बात जब डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को पता चली तो उन्होंने कहा, आपने एक विदेशी शख्स को इतनी बड़ी रकम लेने अकेले भेज दिया, अगर वो पैसे लेकर वहाँ से भाग गया तो क्या करोगे। इसके बाद बॉब जिस दिन वहाँ से लौटने वाले थे उस दिन संजय खान ने उन्हें विधु वाली सारी बात बताई और कहा कि तुम जानबूझकर थोड़ा लेट आना, क्योंकि विधु ने मुझसे शर्त लगाई है कि बॉब वापस नहीं आएगा। इसके बाद बॉब क्रिस्टो जब कुछ देर तक नहीं आए तो विधु को लगा कि वो शर्त जीत चुके हैं, लेकिन कुछ देर बाद बॉब क्रिस्टो उनके सामने थे। बॉब ने अपने फिल्मी करियर में विदेशी स्मगलर, डॉन, क्रूर अंग्रेज अफसर, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, डकैत, गुंडा और सुपारी किलर जैसे हर तरह के नकारात्मक किरदार निभाए हैं। बॉब की फिल्मों की बात करें तो कालिया, नमक हलाल, बॉक्सर, मिस्टर इंडिया, गिरफ्तार, मर्द, कुर्बानी, आखिरी अदालत, कमांडो, कानून की आवाज, दोस्त, गुनाहों का देवता, सौगंध, फरिश्ते, गुमराह, रूप की रानी, चोरों का राजा, हम तुम पे मरते हैं और कसम जैसी चर्चित फिल्मों सहित लगभग 200 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है, जिनमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। बॉब क्रिस्टो ने कुछ टीवी शोज में भी काम किया था। पहली बार वे संजय खान की टीवी सीरियल द ग्रेट मराठा में नजर आए थे। इसमें उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाया था। 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में हार्ट अटैक से बेंगलुरु में बॉब क्रिस्टो का निधन हो गया। इनके निजी जीवन की बात करें तो बॉब ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम हेल्गा था, जो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। हेल्गा के 3 बच्चे हुए, एक लड़का डोरियस और 2 लड़कियां मोनिक और निकोल। बाद में एक कार एक्सीडेंट में हेल्गा की मौत हो गई। कुछ वर्षों के बाद बॉब ने दूसरी शादी कर ली और उनकी दूसरी पत्नी का नाम नरगिस है। दोनों के एक बेटे भी हैं जिनका नाम सुनील है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।